क्रिप्टो से लेकर इलेक्शन तक ब्लॉकचेन के कई इस्तेमाल हैं। याद करिए, एक नया पैसा के पिछले सीजन में हमने आपको एक डॉन की कहानी सुनाई थी, जो अपनी काली कमाई के बही खाते को अलग अलग लॉकर्स में सुरक्षित रखता था। एक लॉकर में बही खाते का एक हिस्सा और उसकी चाबी दूसरे लॉकर में, दूसरे लॉकर में बही खाते का दूसरा हिस्सा और उसकी चाबी तीसरे लॉकर में, एंड सो ऑन। इस तरह से डॉन ने अपने बही खाते को इतना सुरक्षित कर लिया था जिन्हें चुराना या जिनमें कोई हेरा फेरी करना असंभव की हद तक मुश्किल था। हमारे डॉन की यही तरकीब असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे का बेसिक आइडिया है। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। वही ब्लॉकचेन टेक्निक जिस पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है, और अब तो कई देश ब्लॉकचेन टेक्निक की मदद से चुनाव भी करवा चुके हैं। इनमें सबसे पहला था वेस्ट अफ्रीकी देश सियरा लियोन। माने ऐसी वोटिंग प्रक्रिया ऑलरेडी अपनाई जा चुकी है जहां पर वोटर अपना वोट खुद वेरीफाई कर सकता है कि मेरा वोट रजिस्टर हुआ या नहीं, हुआ है तो किस पार्टी के सिंबल पर। लेकिन सवाल है कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाकई इतनी पारदर्शी, सुरक्षित और एक्सेप्टेबल टू यूज है जो इसका इस्तेमाल खरबों रुपए की क्रिप्टो इंडस्ट्री से लेकर इलेक्शन की वोटिंग प्रक्रिया तक में किया जा सकता है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, ये भी बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी की तेज रफ्तार दौड़ को मजबूत जमीन देने के बाद ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल और कहां हो रहा है, हमारी सरकार इस तकनीक को लेकर कितना उत्साहित है और इसको पूरी तरह अपनाए जाने में दिक्कतें क्या है। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्निक क्या है। किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स के एग्जाम रिजल्ट्स का डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? मोटा मोटी दो तरीके होते हैं। एक तो उन्हें लिखकर फाइल्स बनाकर कॉलेज के एग्जाम सेल में स्टोर कर लिया जाता है, और दूसरा कि रिजल्ट को कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है जहां स्टूडेंट्स अपना अपना रिजल्ट देख लेते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में इस पूरे डेटा पर कॉलेज का कंट्रोल होता है, यानी सिर्फ कॉलेज इस डेटा को अपलोड, एडिट और डिलीट कर सकता है। हार्ड कॉपी में रखे डेटा के साथ दिक्कत यह है कि उसे चूहे तक कुतर सकते हैं, यानी डेटा डैमेज हो सकता है। और वेबसाइट वाला डेटा, जब ट्विटर पर हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट्स हैक किए जा सकते हैं, तो फिर किसी कॉलेज की वेबसाइट हैक करना और सारा डेटा उड़ा देना बड़ी बात नहीं है। एक और मुद्दा ये भी है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अपने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स का डिटेल चाहिए, यानी वो ये जानना चाहता है कि मुझे किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, तब क्या होगा? वो कॉलेज में एक एप्लीकेशन देगा, कॉलेज का एग्जाम सेल रिलेटेड सब्जेक्ट के टीचर से उसकी कॉपी निकलवाएगा और फिर उस कॉपी के मार्क्स क्वेश्चन वाइज उस स्टूडेंट्स को बता दिए जाएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। अब अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें टीचर्स हर स्टूडेंट की कॉपी चेक करते वक्त एक एक क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स डालते जाए और स्टूडेंट अपने मार्क्स को देख सके। दूसरा ये कि ये सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी एग्जाम डेटा पर अकेले कॉलेज के एग्जाम सेल का कंट्रोल नहीं, बल्कि हर वेरिफाइड यूजर उसमें डेटा ऐड कर सके। और तीसरा कि डेटा ऐड करने की प्रक्रिया का वेरिफिकेशन इतना जटिल हो कि कोई हैकर उसमें अनचाहा बदलाव ना कर सके। तो आप कहेंगे ये सिस्टम शानदार है, लेकिन हमारे कॉलेज को मिलेगा कहाँ से? जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है। माने डेटा को स्टोर करना, एडिट करना किसी एक के कंट्रोल में नहीं होता। चेन से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर, जिसे नोड कहते हैं, वो ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक्स की शक्ल में स्टोर कर सकता है। हर ब्लॉक मोटा मोटी तीन चीजों से बनता है। पहली चीज है वो डेटा या जानकारी जिसे ब्लॉक में डाला जाना है। दूसरा, हर ब्लॉक की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे हैश कहते हैं। और तीसरा, हर ब्लॉक में अपने से पिछले ब्लॉक की आइडेंटिटी भी स्टोर की जाती है, यानी प्रीवियस ब्लॉक का हैश। और इसी प्रीवियस हैश की मदद से हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ता जाता है और एक चेन बन जाती है, ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन सुरक्षित क्यों है?
ब्लॉकचेन की खास बात यह है कि अगर किसी भी ब्लॉक में डेटा को बदलने की कोशिश करे तो उस ब्लॉक का हैश बदल जाता है और हैश की प्रीवियस हैश से जो नाता है उसके चलते प्रीवियस हैश भी बदल जाता है। माने अगर एक ब्लॉक के डेटा को बदला जाए तो पूरा ब्लॉकचेन में बदलाव हो जाएगा और ये बदलाव ब्लॉकचेन से जुड़े सभी नोड्स पर दिखते हैं। दूसरा कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इस पर किसी एक सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल नोड का कंट्रोल नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स या नोड्स जुड़े हैं सब में ब्लॉकचेन की एक एक कॉपी स्टोर होती है और ये सभी नोड्स मिलकर इसे मैनेज या रन करते हैं। अब मैनेज कैसे करते हैं इसे भी समझिए। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े नोड्स में कुछ माइनर्स कहे जाते हैं, यानी ये नोड्स माइनिंग का काम करते हैं। जब भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में कोई नया डेटा ऐड किया जाता है तब इस डेटा को वेरीफाई करने का काम इन्हीं माइनर्स का होता है। हमने आपको बिटकॉइन माइनिंग के बारे में बताया था। बिटकॉइन में जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तब एक नया ब्लॉक बनता है जिसमें ट्रांजैक्शन करने वाले दोनों नोड्स का एड्रेस और ट्रांजैक्शन की रकम स्टोर रहती है। इस ट्रांजैक्शन को बाकी सारे नोड्स रिकॉर्ड करते हैं और माइनर्स इन्हें वेरीफाई करते हैं। ब्लॉक्स के वेरिफिकेशन का ये काम 2400 घंटे चलता है जिसके बदले इन्हें प्रूफ ऑफ वर्क के तौर पर कुछ बेनिफिट भी मिलता है। इस वेरिफिकेशन की लंबी बात आगे के एपिसोड्स में करेंगे। अब मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन के दौरान कोई हैकर नोड्स के इस नेटवर्क में घुस आता है जिसका नाम X है और वो चाहता है कि नोड A से नोड B को किए गए ट्रांजैक्शन का डेटा बदल जाए, यानी कि ट्रांजैक्शन A टू B ना होकर A टू X हो जाए। तो दो काम होंगे, एक तो बाकी सारे नोड्स जो कि A टू B ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर चुके हैं वो A टू X ट्रांजैक्शन को वेरीफाई ही नहीं करेंगे। दूसरा कि ऐसे किसी घपले के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क में 51% नोड्स की मेजॉरिटी परमिशन चाहिए होती है। सो अगर हैकर चाहे कि वो नोड्स को हैक करके फॉल्स वेरिफिकेशन कर ले तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन जैसे एक बड़ी ब्लॉकचेन पर दुनिया भर के लाखों नोड्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और सब में ब्लॉकचेन की एक एक कॉपी स्टोर है। ऐसे में हैकर को सारे नोड्स को अलग अलग जाकर हैक करना पड़ेगा जिसमें सालों का वर्क लग जाएगा। हालांकि कुछ लोग इसी पॉइंट पर आकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सेफ्टी पर सवाल भी खड़ा करते हैं। प्राइवेसी का मुद्दा, ब्लॉकचेन टेक्निक पर किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिजल्ट पब्लिश करने की बात हो या फिर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वोटिंग कराए जाने की चर्चा, एक और सवाल मन में आता है कि जब ब्लॉकचेन तकनीक पर हो रही सारी डेटा एंट्री को इसे जुड़े हर कंप्यूटर पर देखा जा सकता है तो फिर लोगों की प्राइवेसी का क्या? मतलब ट्रांसपेरेंट होने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि किस एक व्यक्ति ने किसको वोट डाला है वो उसके अलावा भी सबको दिख जाए, या किसी स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले ये पूरे कॉलेज को पता हो? ब्लॉकचेन में इसका भी बढ़िया जुगाड़ है। दरअसल किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े हर कंप्यूटर के पास अपना एक पब्लिक एड्रेस और एक प्राइवेट की होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर नेम और आपका पासवर्ड। अब सोशल साइट है तो यहाँ आपका पब्लिक एड्रेस आपका नाम ही होता है, लेकिन ब्लॉकचेन में आपके कंप्यूटर का पब्लिक एड्रेस कुछ नंबर्स और लेटर्स का रैंडम कॉम्बिनेशन होता है और जब आप ब्लॉकचेन पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो सिर्फ आपका पब्लिक एड्रेस ही शो होता है, ना कि आपका नाम, पता या दूसरी कोई डिटेल। तो जाहिर है ब्लॉकचेन टेक्निक जिस पर बिटकॉइन काम करता है उसमें कुछ तो खूबियां हैं जिनके चलते इसे वाइडली एक्सेप्टेबल बताया जाता है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि हाल फिलहाल इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है। इस्तेमाल कहाँ कहाँ, ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज अब क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी कई जगह हो रहा है। NFT और मेटावर्स में ब्लॉकचेन का यूज कैसे हो रहा है ये हम अगले एपिसोड्स में विस्तार से बताएंगे। कई भारतीय बैंकें और हमारी सरकार भी ब्लॉकचेन टेक्निक के इस्तेमाल का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल दुनिया भर में ब्लॉकचेन टेक्निक पर बनी ढेरों एप्लीकेशंस है
जो कई अलग अलग यूज केसेस में ऑलरेडी काम कर रही है। मिसाल के तौर पर एल्गोरेंड ऐप ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है और मनी ट्रांजैक्शन, गेमिंग और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। इसी तरह यूएस की चेन एनालिसिस नाम की फाइनेंस कंपनी भी ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और सरकार को क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को मॉनिटर कराने की सुविधा देती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्स तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हैं और कई नई तकनीकी सुविधाएं देते हैं। यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब भी समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप जानते ही है, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किसी लेन देन वगैरह की शर्तों वाले अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ब्लॉकचेन पर होने वाले किसी ट्रांजैक्शन में शर्तें लागू करने का काम करते हैं। ये दरअसल एक तरह के कोड होते हैं जिन्हें ट्रांजैक्शन के साथ ही रिसीवर के एड्रेस पर भेज दिया जाता है और जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है तो फिर इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे समझिए कि अगर आपको ऑनलाइन कोई सामान फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर ऑर्डर करना है तो आप बिना किसी ट्रस्ट इश्यू के एडवांस में भुगतान कर देते हैं। आपको भरोसा रहता है कि ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक नई शॉपिंग साइट ABC या XYZ है, आप यहाँ पेमेंट कर दीजिए और फलाना प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा, तो शायद आप भरोसा ना करें। वजह कि आपने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते अब ऐसा मुमकिन है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल एक तरीके के कोड होते हैं जो ये शर्त तय करते हैं कि कोई काम तब हो जब उसके पहले वाला काम हो जाए, माने इफ और देन जैसा मामला। मान लीजिए आपने किसी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी पर ऑर्डर प्लेस किया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करती है, तो होगा यूं कि भुगतान कर देने के बाद जब तक आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं मिलती तब तक कंपनी को भी प्रोडक्ट का पैसा नहीं मिलेगा। मोटा मोटी यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा है। सिक्योरिटी फीचर के अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस बेहद तेज होते हैं, जिसके चलते तमाम कंपनीज, चाहे वो फाइनेंस और रियल एस्टेट की हो या हेल्थ सेक्टर की, आजकल ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। बतौर मिसाल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने वाली कंपनी बर्स्ट IQ हेल्थ सेक्टर में सर्विसेज दे रही है, जबकि अमेरिका की कंपनी मीडिया चेन सिंगर्स को उनके गाने के बदले पैसा दिलाने का काम करती है और अप्रैल 2017 में स्पॉटिफाई ने इस कंपनी को एक्वायर भी कर लिया। इनके अलावा भी तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों की आइडेंटिफिकेशन से लेकर इलेक्शन की वोटिंग तक के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन तकनीक का भविष्य कैसा रहेगा, इस सवाल के जवाब में लोग पक्ष विपक्ष में कई तर्क देते हैं। विपक्ष में खड़े लोगों का मानना है कि इंडस्ट्री में इस तकनीक को पूरी तरह अपनाए जाने में कई तरह की अड़चनें हैं, मसलन इसके यूजर्स में जरूरी स्किल्स की कमी, पूरी और सटीक जानकारी न होना, इसमें आने वाला खर्च और भरोसे से जुड़ी शंकाएं। लेकिन हाल फिलहाल हम इतना तो कह ही सकते हैं कि अगर ब्लॉकचेन तकनीक पर लाखों करोड़ रुपए की क्रिप्टो इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है तो आगे ब्लॉकचेन अपने और तमाम रंग दिखाए, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक नया पैसा के दूसरे सीजन को लिखा है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं हूं जीशा, शुक्रिया।